श्री शिवाय नमस्ते। उन दोस्तों, माह में दो प्रदोष होते हैं। अलग अलग दिन पड़ने वाले प्रदोष की महिमा भी अलग अलग होती है। जैसे सोमवार का प्रदोष, मंगलवार को प्रदोष, इनके अलग ही महत्व होते हैं और लाभ भी उतने ही मिलते हैं। दोस्तों, प्रदोष काल में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो भूल कर भी हमें नहीं खानी चाहिए। उसमें से आ गई लाल मिर्च। लाल मिर्च है, अन्न है, चावल है, सादा नमक भी आपको नहीं खाना चाहिए प्रदोष के दिन। प्रदोष के दिन हरे मूंग का सेवन करना चाहिए। ये पृथ्वी तत्व माना गया है और बहुत अच्छा रहता है इसे खाना। हालांकि आप पूर्ण उपवास फलाहार भी कर सकते हैं। व्रत वाले दिन सूर्योदय से पहले उठना है, नित्य कर्म कर्मों से वो करके, और सफ़ेद रंग के कपड़े पहन लें। जो जेंट्स हैं आप लाल पहन सकती हैं। और पूजा घर को अच्छे से साफ कर लीजिए, गाय के गोबर से लीप कर मंडप तैयार कर लीजिए। इस मंडप के नीचे अलग अलग रंगों का प्रयोग करके रंगोली बनानी है। फिर उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठ के शिव जी की आराधना करनी है। आप मंदिर में भी कर सकते हैं, प्रदोष काल में मंदिर में जाकर करें, या फिर प्रदोष काल में घर पर भी कर सकते हैं। कहते हैं रावण की जितनी भी धन संपदा अर्जित की थी सब प्रदोष व्रत का ही वो था। वो अनन्य भक्त था भगवान शिव का, प्रदोष काल में ही पूजन किया करता था। तो इससे अपार सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं और घर में सुख समृद्धि आ सकती है। प्रदोष व्रत जो पड़ रहा है मैंने यहाँ लिख दिया है, कब कब पड़ेगा आप देख लीजिएगा। सारे प्रदोष व्रत बताए हैं। दो जगह आपको दीपक जरूर लगाना है, एक तुलसा जी में और आपको घर के मुख्य द्वार पर जरूर लगाना है। इससे बरकत आती है।